ये सड़क और हवाई मार्ग से सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ये होटल कॉरपोरेट और अवकाश यात्री दोनों के लिए यात्रा में आसानी प्रदान करता है। सयाजी होटल के प्रबंध निदेशक रूप धनानी ने कहा कि हम अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके अनुभव का हर विवरण वास्तव में अविस्मरणीय है। गुणवत्तापूर्ण आवास प्रदान करने पर हमारे अत्यधिक ध्यान के साथ हम इस शहर की यात्रा करने वाले हमारे सभी मेहमानों के लिए एक सुखद प्रवास सुनिश्चित करने की उम्मीद करते हैं। सयाजी होटल भारत का प्रमुख अपस्केल लाइफस्टाइल हॉस्पिटलिटी ब्रांड है जो अपने बेस्ट पोक अनुभवों, सिग्नेचर हॉस्पिटलिटी और 4-स्टार और 5-स्टार होटलों की श्रेणी में संपन्नता के नए मार्गों के लिए प्रसिद्ध है। पत्रकार वार्ता में विनोद त्रिपाठी जीएम एनराइज भोपाल, अमित गेरा जीएम ऑपरेशन सयाजी, प्रणव सिंह, अनुप कुमार सिंह, दिव्या सिंह, सौम्या सिंह, रजनी सिंह ने कॉन्फ्रेंस में अपना अपना पक्ष रखा। रीवा से कुछ द्विवेदी की रिपोर्ट है। तो इस तरह से रूम्स की डिटेल है कि हम कहां कहां पे पूरे इंडिया में है, कि जो अपने सफेद की भूमि है, विंध्य की धरती है, इस पे जो है तो लोगों को अच्छा खाना, अच्छी हॉस्पिटलिटी। और हमने, क्योंकि मैं यहीं प्रॉपर रीवा का ही रहने वाला हूँ, तो हम देखते रहते हैं, हमारे से बहुत सारे लोग बात करते रहते हैं कि लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, कोई खजुराहो जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई उदयपुर जा रहा है, कोई अजमेर के लिए बात कर रहा है, कोई इंदौर के लिए बात कर रहा है। तो अच्छा खाना, अच्छा सर्विस, अच्छी हॉस्पिटलिटी, वैल्यू फॉर मनी, क्वांटिटी, क्वालिटी और सब चीज़ें जब हम रीवा में दे सकें, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, ताकि यहाँ के लोगों को जाना ना पड़े कहीं पे भी बाहर। और जो मार्केट सर्वे हमारा बोलता है, वो बोलता है कि साल में कम से कम जो है तो रीवा की 25-30 शादियाँ हर साल जो है तो खजुराहो रीवा और खजुराहो इंदौर भोपाल मुंबई अजमेर उदयपुर में होती हैं। तो ये जो लोग जाते हैं, परेशान होते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने जो है तो यहाँ पे अच्छी हॉस्पिटल की करने का हम लोग आप लोगों को प्रॉमिस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से स्पेशलिटी, जैसे बोला कि इसमें सारे सायजी में कबाब वाले नहीं है, सायजी की शायद 50+ प्रॉपर्टीज़ हैं, बस सिर्फ यही ओनली थर्ड प्रॉपर्टी इंडिया में जिसमें कबाब वाले है। तो ये इस प्रॉपर्टी को थोड़ा यूनिक बनाती है, क्योंकि आपके जो कोल्हापुर और महाराष्ट्र प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पर नहीं है, इससे भोपाल इंदौर के बाद थर्ड है पूरे इंडिया में। सायाजी को यहाँ पे लाने का सोचा था, और क्या वजह क्या थी? यहाँ लोगों की उम्मीदें बढ़ रही हैं, लोगों की जो बाहर जाने का वो है कि हमें खजुराहो जा रहे हैं, जबलपुर जा रहे हैं विवाह के लिए, और उसके अलावा एक ट्रांसपोर्टेशन और आवागमन बढ़ता चला जा रहा है। अभी एक साल के अंदर अभी आप लोगों को रीवा में एयरपोर्ट 70-सीटर एयर आ रहा है, तो ये सब विकास का ही एक कमोवेश अंग है। इसके अलावा क्या फीचर्स क्या रहेंगे आपके सयाजी के, क्या खासियतें रहेंगी दूसरों होटल्स के पीछे? ये आपको जो भोपाल इंदौर अहमदाबाद सूरत बड़ोदरा में है उसी वो सारी की सारी सुविधाएं हैं। ये पहला होटल है जो आपको जो 39 शहरों में सुविधा दे रखा है भोजन का, वो सब यहाँ मिलने जा रहा है। प्लस उसमें जो अभी प्रश्न था कि हम उसके साथ ऐड कर देंगे, ऐड ऑन करेंगे, वो बघेली है, मतलब जो आपको बाहर इंदौर भोपाल का व्यंजन है वो आपके दरवाजे पे है। नाम है सर, क्या कैसा आज यहाँ ओपनिंग हुई, कौन से होटल का क्या? मेरा नाम अमित है, कॉर्पोरेट जनरल मैनेजर फॉर सयाजी ग्रुप होटल्स। यहाँ पे हम रीवा में अपना एनराइज ब्रांड लॉन्च करने के लिए, कल मॉर्निंग से आपके पास एनराइज ब्रांड लॉन्च हो जाएगा। सो हमारे रूम्स ओपन हो जाएंगे, हमारे बैंक्वेट हॉल्स, हमारे लॉन्स ओपन हो जाएंगे। हमारा एक नोवल कंसेप्ट रेस्टोरेंट है जो कि कबाब्स में जो कि सर्व करता है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, वो हम एक महीने के बाद अपना मार्केट में नहीं उतारेंगे। प्लीज कम डाउन एंड विजिट अवर प्रॉपर्टी। अन्य होटलों के हिसाब से सर रेट क्या रहेगा सर? अन्य होटलों के हिसाब से रेट वगैरह क्या रहेगा? प्राइसेस टैरिफ पर भी रूम टैरिफ 3,000-4,000 के बीच में रहेगा। बाकी का जो बैंक्वेट्स का एक्सपीरियंस होगा या रेस्टोरेंट्स का रहेगा वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी कस्टमाइज करना है हम वैसे करेंगे। इंडिया में कहाँ कहाँ है सर? सेल करेंगे हम, कस्टमर टेलर में एक मेन्यूज भी बनाएंगे, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रेट मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में और इंडिया में कहाँ कहाँ आपकी होटल? हमारे अभी तक 15 होटल ऑपरेशनल हैं, 10 सिटीज के अंदर हैं हम लोग। हमारे मेन जो गढ़ जिसे बोलते हैं वो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, धीरे धीरे हम पूरे इंडिया के अंदर फैल रहे हैं। अभी हमने तकरीबन 33 प्रॉपर्टीज साइन कर ली हैं,
तीन साल के अंदर हम 50 प्रॉपर्टीज के ऊपर चले जाएंगे। सर मध्य प्रदेश में कितने ब्रांचेस है साया जी? 9 ब्रांचेस। ये सर ये होटल की कब ओपनिंग होगी सर रीवा में? रीवा कल सुबह ओपन हो जाएगा सारे केस के लिए।